वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको गूगल शीट का यूज़ करके ऑटोमेटेड बर्थडे विशेस कैसे भेज सकते हो ये बताने वाला हूँ। मैं सचिन पवार और मैंने एक ऐसा गूगल शीट डिज़ाइन किया है जिसका यूज़ करके आप ऑटोमेटेड बर्थडे विशेस आपके जो कस्टमर्स हो गए या आपके जो भी एम्प्लॉयज़ या फ्रेंड्स, जो भी आप किसी को भी बर्थडे डेट अगर आपके पास है और उनका मेल आईडी है तो आप ऑटोमेटेड बर्थडे विशेष उनको भेज सकते हो। आपको कोई भी गूगल शीट में एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी, एक बार आपने टेम्पलेट परचेस की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, एक गूगल शीट आप परचेस कर सकते हो। वन टाइम आपने परचेस किया, इंस्टॉल उसमें जो स्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल कर दी और आपके जो भी एम्प्लॉई या पर्सन की लिस्ट एक बार प्रिपेयर कर ली तो ऑटोमेटेड उनको बर्थडे की विशेष जाएगी। तो दोस्तों, टेम्पलेट लेने के बाद आपको हेल्प शीट पूरी तरह से रीड करके सारे स्टेप्स आपको फॉलो कर देने हैं और बाद में बर्थडे पर्सन की लिस्ट यहाँ प्रिपेयर करनी है। सिंपल, आपको बर्थडे पर्सन का नेम एंटर करना है, उसकी बर्थ डेट, इमेज की लिंक आईडी। अभी मैंने जो यहाँ लिंक पेस्ट की है ये भी लिंक आप यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको आपके हिसाब से कुछ कस्टमाइज इमेज आप एम्प्लॉय वाइज बना रहे या पर्सन वाइज बना रहे, उस इमेज की लिंक की आईडी भी आप यहाँ एंटर कर सकते हो। सिंपली उस गूगल ड्राइव में आपको फाइल अपलोड करना है और उसका लिंक आईडी यहाँ पेस्ट कर देना है, या आप मैंने जो गैलरी बनाई या फोल्डर है या क्लिक करके उस फोल्डर को आप एक्सेस कर सकते हो। यह देख सकते हैं बहुत सारे इमेजेस का स्टॉक मैंने इस फोल्डर में कर दिया है। सिंपली आप इस इमेज का भी लिंक का आईडी यूज़ कर सकते हो। इसका डिटेल में मैंने हाउ टू यूज़ का वीडियो भी बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक प्रोवाइड किए। एक बार परचेस करने के बाद वो हाउ टू यूज़ का वीडियो भी आप देख लीजिए, सेटअप करने में आपको बहुत ही हेल्प होगी। या इमेज लिंक आईडी एंटर करना है या मेल आईडी एंटर करना है, आपको किसको मेल करना है, मतलब अगर अमित कुमार का बर्थडे है उसके विशेष कौन से मेल आईडी पे 2 में जाने चाहिए और किन किन को सीसी में जाना चाहिए। आप मल्टीपल मेल आईडी भी ऐड कर सकते हो, सिंपली आपको कॉमा देके और जो भी मेल आईडी है उसको एंटर करना है। सेम सीसी ईमेल के लिए भी आपको करना है। या ईमेल बॉडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, इस फील्ड में आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है, ऑटोमेटेड जनरेटेड है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। या अगर मैं नेक्स्ट नेम एंटर करता हूँ तो देखिए आप ईमेल बॉडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुके हैं और सारे डिटेल्स आप प्रवीण पवार किस नेम के लिए एंटर कर सकते हो। अभी ये शीट वर्क कैसे करती है, समझो आज 16 तारीख है और किसकी बर्थडे की डेट है 16 तारीख, तो ऑटोमेटिकली वो उस डेट को डिटेक्ट करता है और यहाँ सेंड कंडीशन में यस मेंशन करता है। ऑटोमेटिकली फार्मूला से जिस भी पर्सन का बर्थडे है उसके सामने यस आता है। आपको पहले एक्सटेंशन में जाके ऐप स्क्रिप्ट में या आने के बाद आप ट्रिगर लगा सकते हो या ऐड ट्रिगर पे क्लिक करके या सिलेक्ट इवेंट सोर्स में टाइम ड्रिवन डे टाइमर और आपके हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हो। जो भी टाइम आप सिलेक्ट करोगे उस टाइम पे ईमेल ऑटोमेटिकली जाएगा और सिंपली सेव कर देना है। हम मैन्युअली भी रन कर सकते हैं। अभी जो हमने ट्रायल एंट्री एंटर की है, अभी ईमेल अगर भेजना है हमें, अभी ट्रायल लेना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको यहाँ एडिटर सेक्शन में जाके या रन पे क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो जो मेल आईडी यहाँ मैंने एंटर किए, मेरा जो पर्सनल मेल आईडी और एक अनदर मेल आईडी एंटर किया है। अभी पहले तो जिस मेल आईडी से मैंने ये ट्रिगर लगाया उस मेल आईडी से ईमेल सेंड होगा, उसी ईमेल आईडी के मेल बॉक्स में, ईमेल के बॉक्स में सेंट
में आपको दिख जाएगा कि ये मेल सेंड हुआ है कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो ये अमित कुमार का जो रो में सेंड कंडीशन यस थी, तो देखिए वो मेल मेरे सेंड बॉक्स में अभी दिखाई दे रहा है कि ये मेल इस मेल आईडी को पावर 4830 इस ईमेल आईडी पे मेल सेंड हो चुका है और सीसी में मेरा अनदर मेल आईडी भी है और इस तरह से अट्रैक्टिव ईमेल टेम्पलेट उसको एज ए विश सेंड हो जाती है। इस मेल आईडी का इनबॉक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए यह भी मेल आ चुका है। इस तरह ये गूगल शीट वर्क करती है ऑटोमेटिक ईमेल्स भेजने के लिए। सो आशा करता हूँ कि टेम्पलेट आपकी यूजफुल रहेगी, आपका टाइम बहुत ही सेव करेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।